आपका पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? आपके ऑप्शन है ए हाथी की, बी ट्रैक्टर की, सी लाल किला की, डी अशोक स्तंभ की। आपका सही ऑप्शन है डी अशोक स्तंभ की। आपका अगला सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए पक्षी, बी हाथी, सी मछलियां, डी ऊंट। आपका सही ऑप्शन है सी मछलियां। आपका अगला सवाल है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? आपके ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी राइन नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका सही ऑप्शन है बी नील नदी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी ईटानगर, सी अमरावती, डी दिसपुर। आपका सही ऑप्शन है ए गांधीनगर। आपका अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी जेवलिन थ्रो, डी फुटबॉल। आपका सही ऑप्शन है सी जेवलिन थ्रो। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा को, बी झारखंड को, सी गुजरात को, डी राजस्थान को। आपका सही ऑप्शन है बी झारखंड को। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? आपके ऑप्शन है ए 22 मार्च 2020, बी 20 मार्च 2020, सी 23 मार्च 2021, डी 25 मार्च 2019। आपका सही ऑप्शन है ए 22 मार्च 2020। आपका अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम, डी गोवा। आपका सही ऑप्शन है डी गोवा। आपका अगला सवाल है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? आपके ऑप्शन है ए हरा रंग, बी काला रंग, सी पीला रंग, डी लाल रंग। आपका सही ऑप्शन है ए हरा रंग। आपका अगला सवाल है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? आपके ऑप्शन है ए 180 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 300 डिग्री, डी 360 डिग्री। आपका सही ऑप्शन है बी 270 डिग्री। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में, डी कश्मीर में। आपका सही ऑप्शन है सी गोवा में। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? आपके ऑप्शन है ए 1853 ईस्वी, बी 1945 ईस्वी, सी 1947 ईस्वी, डी 1250 ईस्वी। आपका सही ऑप्शन है ए 1853 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस को, बी नेपाल को, सी कनाडा को, डी इंडोनेशिया को। आपका सही ऑप्शन है सी कनाडा को। आपका अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए काजू को, बी इलायची को, सी लाल मिर्च को,
दी किसमिस को। आपका सही ऑप्शन है बी इलायची को। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी भालू, सी ऊंट, डी मगरमच्छ। आपका सही ऑप्शन है डी मगरमच्छ। आपका अगला सवाल है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? आपके ऑप्शन है ए बी ब्लड ग्रुप, बी ओ ब्लड ग्रुप, सी अब ब्लड ग्रुप, डी बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आपका सही ऑप्शन है सी ए ब्लड ग्रुप। आपका अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 25 दिसंबर, डी 5 सितंबर। आपका सही ऑप्शन है डी 5 सितंबर। आपका अगला सवाल है, खुशियां मनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए घी के दीपक जलाना, बी घर में गंगा बहना, सी बहुत पवित्र करना, डी आंखें खुलना। आपका सही ऑप्शन है ए घी के दीपक जलाना। आपका अगला सवाल है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी पीलिया, सी शुगर, डी याददाश्त। आपका सही ऑप्शन है डी याददाश्त। आपका अगला सवाल है, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए मच्छर, बी चूहा, सी छिपकली, डी मधुमक्खी। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।